हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में जो है आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे जो है मैं देखना चाहूँगी, मेरा जो वीडियो का टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं और थ्री डी वर्ल्ड में उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभी जो है एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं। कभी किसी तरह की एनर्जी है, कभी किसी तरह की एनर्जी है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो। और बहुत सारे लोगों की जो रीयूनियंस हैं वो भी सुनने को मिल रही हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों ने ही अपनी आप को हील किया है एंड अपने आप को आगे लाइफ में जो है सही तरीके से बढ़ाने की कोशिश दोनों तरफ से कर रहे हैं। सो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो देखने को आ रही है। हालांकि फ्रेंड्स, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन की अगर मैं बात करूं, सो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी अभी इस टाइम पर है वो इस तरह की एनर्जी है कि वो बिल्कुल ब्लैंकनेस में चली गई हैं, एक वननेस में आ गई हैं। सो उनको अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है और अब डीएम आते हैं या नहीं आते हैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो अपने आप में पूर्ण है। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो उनको टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए ताकि वो अपनी हीलिंग कर सकें। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं, मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 3D वर्ल्ड में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो 3D वर्ल्ड में उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद कि क्या सोच रहे हैं, व्हाट ही थिंकिंग अबाउट यू एंड द सिचुएशन व्हिच इज़ गोइंग ऑन। तो यहाँ पे जो है एनर्जीज जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो आप जो है अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिए, और जो भी आपको एनर्जी रेजोनेट हो रही है उसको लीजिए और बाकी को आप छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जर्नल होती हैं जो अगर आपको डिटेल में जानना है, सो यू कैन टेक अ पेज रीडिंग फ्रॉम मी एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर ऑलवेज, सो यू कैन पिंग मी एंड वी विल डिस्कस देयर। आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम वो डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ अ पेड रीडिंग बिकॉज इट इज़ अ डिटेल रीडिंग। ओके, सो ओके, सो मैं इतने ही कार्ड लूँगी। सो लेट्स चेक। एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हुई हैं पहले से फ्रेंड्स। कि पास्ट में जो आपके जो पर्सन हैं, यहाँ मून एनर्जी है। मैं पहले कार्ड आपको सब शो कर देती हूँ, या तो द मून, क्योंकि सब लोग फिर सोचते हैं कि कार्ड नहीं दिखाए हैं। 10 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर जो है मुझे सोर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, वैंड्स की है, फायर एनर्जी, कप की भी एनर्जी है,
या सो यहाँ पे ऑलमोस्ट एनर्जीज मुझे सभी नज़र आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, अर्थ एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर फायर एनर्जी है, कप एनर्जी है एंड सोर्स एनर्जी है। ओके सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर भी मुझको नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 18, 8, 10, 21 एंड 4, 6 या एंड 7। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर कार्ड्स एंड मोर कार्ड्स। ये यहाँ पर जो है वो है नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट कार्ड। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट जो हमारे हमने पहले कार्ड देखे थे उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हुआ था कि आपके जो पर्सन थे वो पास्ट में जो है आपको लेफ्ट आउट करके गए थे किसी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, या वो थर्ड पार्टी में थे, या उनकी कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम थी, या फिर उनके कोई फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। सो जो भी प्रॉब्लम थी वो खुश नहीं थे। यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट थे, कुछ बातें सीक्रेट थी जो उन्होंने आपको रिवील नहीं की, और वो आपको मतलब एक अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह कुछ बिना बताए वो चले गए थे। सो ये हुआ था। उसके बाद जब उनको ये रियलाइज़ हुआ हीलिंग के बाद में, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने लगा, क्योंकि अब जो है डिवाइन फेमिनाइन जो है वो काफ़ी ग्रो कर चुकी है, उन्होंने अकेले जीना सीख लिया है, वो जो है अकेले स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ में, अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। सो जब अभी जो डीएम है, जो इनकी हीलिंग के बाद इनको ये महसूस हुआ है कि इन्होंने पास्ट में जो भी किया वो सही नहीं था, इसीलिए यहाँ पर वो सैड भी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सीक्रेट भी हैं जो कि रिवील नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उनको अब ऐसा लगने लगा है कि जो भी उन्होंने किया और जो भी अब हो रहा है, जो डिवाइन फेमिनाइन जो उनसे नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, तो इसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। या फिर उनका जो पहले का जो सर्कल है द वर्ल्ड, वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, और ये जो इनका एक कार्मिक साइकिल है वो भी एंड हो रहा है, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। ये आपको पूरी दुनिया समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि वो कहीं पे भी चले जाएं, किसी से भी मिल लें, किसी भी लेडी से, किसी भी गर्ल से, लेकिन आपके जैसी जो एम्प्रेस की एनर्जी वाली लेडी है या गर्ल है वो उनको नहीं मिलती। या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो प्लीज़ आप रोटेट कर सकते हैं एनर्जी को, तो वो आपको जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि इसीलिए वो आपको अपना लव ऑफ कप भी ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं भी है तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला कनेक्शन है, जो कि एक ऐसा कनेक्शन है कि उस कनेक्शन से अलग नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो है वो अलग भी रहे, साथ भी रहे, लेकिन झगड़ा भी हुआ और चाहे कितने भी हार्श वर्ड, आर्गुमेंट्स, सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, आप सभी लोग जानते हैं। सो बहुत सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ, अपने सोल कनेक्शन के साथ जो है वो मैरिज भी करना चाहते हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, ये रीयूनाइट होने का कार्ड भी है। और आपके जो पर्सन है वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, और वो कुछ चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में उनको क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो उनको भी क्लियरिटी नहीं है, तो वो उन चीज़ों को जो है वो क्लियर आउट करना चाहते हैं। और वो आपके पास सडनली कोई ना मैसेज, कोई कॉल आना देना चाहते हैं, या फिर वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास इस तरह की एनर्जी है। ये जो चैरियट का कार्ड है ये यंग यंग एनर्जी है, इट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड ऑल्सो। सो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों घोड़े कभी इधर को दौड़ रहे हैं, कभी उधर को दौड़ रहे हैं, इसी तरह उनके माइंड में भी चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ एक माइंड ये कहता है कि उनको डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाना चाहिए, एक तरफ उनका हार्ट वो ये शायद कहता है कि नहीं जाना चाहिए।
वो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके पास सडनली आ भी सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, कोई कॉल कर सकती है। और कम्युनिकेशन का भी कार्ड है यहाँ पर, और न्यू बिगनिंग का कार्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सब चीज़ें जो हैं आपके जो पर्सन हैं वो सोच रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस अभी आ रहे हैं। 3D वर्ल्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड जो है मैं वो टैरो से लूँगी, और कुछ कार्ड जो है मैं ये ओशो ज़ेन से लूँगी। यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। ओके, सो लेट्स चेक। ओ, खुद ही कार्ड्स निकल गए, वेरी गुड। श्योर कार्ड, वन मोर। या सो अभी आपके जो पर्सन है वो इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं। इट इज़ द सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये मैरिज का कार्ड भी माना जाता है। सो मैं यहाँ पर और कार्ड्स के साथ इसको ले लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अभी आपके जो पर्सन हैं देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, और डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, सब चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस आउट हो रही हैं, धीरे धीरे जो है चीज़ें वो सही हो रही हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। ओके देखिए, आपके जो पर्सन है वो अगर आपसे बातचीत कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम बातचीत हो रही है, या बिल्कुल ना के बराबर बातचीत हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो अभी हर्मिट के मोड पे हैं। हर्मिट के मोड पे यानी कि वो अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि पहले जो चीज़ें हुई वो क्यों ख़राब हुई, या वो ख़राब नहीं होनी चाहिए थी, किस तरह की सिचुएशन थी और किस तरह से सही किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत एनर्जी मैं बोलूँ, इसमें इंसान जो होता है वो बातचीत कम करता है, दूसरों से शेयर कम करता है, और ख़ुद को एनालाइज़ करता है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जीज टू एनालाइज योर सेल्फ। सो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अभी 3D वर्ल्ड में हर्मिट मोड पे हैं, और वो किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, और वो अपना, मैं ये बोलूँ कि आत्म मंथन कर रहे हैं, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सिचुएशन को बैलेंस आउट किया जा सकता है, पहले जो चीज़ें हुई। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और वो प्रेयर कर रहे हैं, वो उन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और वो चाहते हैं कि डिवाइन सब चीज़ों को सही कर दें और उनको बताएं कि किस तरह से सही किया जा सकता है। वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, और वो आपको लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, या टू ऑफ कप है। सो डिवाइन है यहाँ पे, एंजल माइकल जो हैं, आर्क एंजल माइकल जो हैं वो ब्लेस कर रहे हैं दोनों कपल्स को, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और उनको अफसोस भी है कि वो आपको पास में छोड़ के चले गए थे जबकि वो सैड थे, कुछ इस तरह की कुछ सिचुएशन थी कि वो आपको बता नहीं सकते थे, वो ज़रूर बताएंगे, और अभी वो इसी सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से और वो क्यों छोड़ के चले गए थे, ऐसा क्या हुआ था। सो ये सब चीज़ें आपके पर्सन जो हैं वो एनालाइज़ कर रहे हैं, और वो इस सिचुएशन में अब जो है विक्ट्री चाहते हैं। जो जिन लोगों की मैरिज नहीं होती है हुई है, सॉरी, वो मैरिज हो सकती है, और जो रीयूनाइट नहीं है वो रीयूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 10 of Cup का कार्ड है, ब्यूटीफुल फैमिली है, चिल्ड्रंस हैं। ओके सो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, अब उनको समझ में आ चुका है कि ये क्या कनेक्शन है, और वो इस कनेक्शन में अब विक्ट्री चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक बाय द टेर ओ सॉरी ओशो ज़ेन, कि ओशो ज़ेन में अभी आपके पर्सन जो है 3D वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, प्लीज गॉड बताइए। वेरी गुड,
सो अभी कुछ लोगों की जो रीयूनियन है वो पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी हीलिंग चल रही है। और ये जो पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये डिवाइन की तरफ से आया है, ठीक है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड भी आया है मेरे पास। यिंग यांग एनर्जी है, यिंग यांग एनर्जी का साइन है यहाँ पर, और यहाँ चेंज का कार्ड है। तो आपके पर्सन में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है मेरे पास। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पर्सन में धीरे धीरे, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। और उनके जो है वो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हैं, वो अपने आप को आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने माइंड से वो फाइट भी कर रहे हैं। सो वो कुछ ऐसे चीज़ें अभी चल रही हैं उनके साथ, जिसके कारण वो आपको कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो यू हैव टू वेट, आपको डिवाइन यही कह रहे हैं, तब तक आपको अपनी क्रिएटिविटी में जाना है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना है, अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है आपको। क्योंकि आप अपने आप को जितना ज़्यादा हील करेंगे, आपके पर्सन जो है वो भी उतने ही ज़्यादा हील होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर अब कुछ एंजल नंबर दूंगी आप लोगों को। और यहाँ पे हम कुछ इनिशियल्स भी देखेंगे आज। सो लेट्स चेक फटाफट कि क्या एंजल नंबर है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा। सो यहाँ पे नंबर मेरे पास आया है जो है वो है, या सॉरी, 5 1 एंड 6। सो यहाँ पे नंबर जो आया है वो आया है 5 1 6। सो आप 5 1 6 से गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि आपके पर्सन जो हैं वो मतलब जो आपके पर्सन हैं वो क्या कहना चाहते हैं, या एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो यहाँ मैं कुछ इनिशियल्स और कुछ नंबर्स ले रही हूँ, लेट्स चेक क्या आता है, किस किस के इनिशियल्स हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे जो है नाम हो सकता है एन से, वी, जे, और यहाँ पर है क्यू, वाई, ई, ए एंड जी, एम, एंड यहाँ पर ओ। यहाँ पे नंबर्स भी आए हैं कुछ, 4 3 8 या एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये कुछ इनिशियल्स थे और कुछ नंबर थे। सो अब आप देख लीजिएगा कि मुझे लगता है कि कुछ के डीएम जो है वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं वाई, क्योंकि आप जो है अचानक से चले गए थे। सो आपके जो डीएम है, मुझको ऐसे इंट्यूशन हो रही है कि वो आपसे भी क्वेश्चन करना करना चाहते हैं कि व्हाई यू लेफ्ट मी। तो यहाँ पर मेरे पास नो भी बन रहा है, ये देखिए नो। सो हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि अब मैं डिसीज़न ले लेती हूँ और छोड़ के भी आप जाने की मतलब पूरी आपकी तैयारी है, यस हो या नो हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको डिसीजन चाहिए। तो आपके पर्सन जो है आप बोलना चाहते हैं नो, आई नेवर लेट यू गो। ओके, ओके फ्रेंड्स। सो आप जो हैं इनसे कुछ वर्ड्स बनाइएगा और मुझे भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी देख सकूं कि क्या और वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझको अच्छा लगता है कि आप लोगों से ये एनर्जी जो है वो रेजोनेट हो रही है, या किस तरह के आपको वीडियोज़ जो चाहिए वो मुझे बताइए, तो मैं उसी तरह के वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देयर स्टे हैप्पी एंड स्टे स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ ऑल्सो। बाय, टेक केयर।